नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार के सभी जिलों की ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर बनाने का काम खुद अब डीएसपी करने वाले हैं, क्योंकि बिहार के 28 जिलों में जल्द ही ट्रैफिक थानों का निर्माण किया जाना है। वर्तमान समय में ट्रैफिक थानों की व्यवस्था बिहार के केवल 12 जिलों में ही है। जल्द ही ये व्यवस्था बिहार के लगभग सभी जिलों में शुरू कर दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के स्तर से जिलों में ट्रैफिक थाना खोलने की कवायद फिर से शुरू हो गई है। इसको लेकर ट्रैफिक आईजी एमआर नायक ने विस्तृत प्रस्ताव बनाकर पुलिस मुख्यालय को भेजा था, जिसे स्वीकृति अब जाकर मिली है। बस अभी गृह विभाग की स्वीकृति का इंतजार है। राज्य के कुल 38 जिले हैं। इसके अलावा नवगछिया और बगहा दो पुलिस जिले हैं। इस तरह 40 पुलिस जिलों में महज एक दर्जन में ही ट्रैफिक थाने मौजूद हैं। बाकी 28 जिलों में नए ट्रैफिक थाने खोलने की तैयारी है। प्रस्ताव पर सरकार से स्वीकृति मिलते ही आधारभूत संरचना से लेकर पद सृजन तक का काम शुरू कर दिया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि जिन 28 जिलों में नए ट्रैफिक थाने खोलने की प्रक्रिया की जानी है, उन्हें दो भागों में बांटा गया है। 23 बड़े जिला मुख्यालय वाले ट्रैफिक थानों में 165 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। वहीं शिवहर, अरवल जैसे छोटे जिलों के लिए 84 पदों के सृजन का प्रस्ताव है। इसमें डीएसपी के साथ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के साथ बड़ी संख्या में सिपाही शामिल है। सभी ट्रैफिक थानों की कमान डीएसपी रैंक के अफसर के हाथ में होगी। बिहार के सभी 12 जिलों में अभी 15 ट्रैफिक थाने हैं। गांधी मैदान, बाईपास और सगुना में ट्रैफिक थाना है। गया में दो ट्रैफिक थाने हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, आरा, छपरा, बिहार शरीफ, दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार में एक एक ट्रैफिक थाना है। वहीं जिन जिन जिलों में थानों को खोलने पर चर्चा हो रही है, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, वैशाली, पश्चिम चंपारण, बघा, नवगछिया वो जिले हैं जहां पर थानों का निर्माण होना है। वहीं अब इन ट्रैफिक थानों के बन जाने से बिहार में जल्द ही ट्रैफिक नियमों में सुधार होने की उम्मीद है। साथ ही उम्मीद ये भी है कि आने वाले समय में लोग और भी सजग होकर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ट्रैफिक थाने बन जाने के बाद बिहार की ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।